लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुनो, विजय सब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। अरे तू वाकई बहुत खुशकिस्मत है यार, वरना इतनी खूबसूरत और दिल से चाहने वाली औरत अरे किसे नसीब होती है यार। यार वो चेहरे से ही नहीं, दिल से भी हसीन है, इसीलिए तो मेरे दिल की जबान पर हमेशा एक ही नाम रहता है, तारा, तारा। लेकिन एक बात है यार, तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया? कैसे पता चलेगा, उसने मुझसे पूछा था। हाँ फिर? फैक्ट्री रात में क्यों जाते हो? मैंने कहा बिजली की कटौती है, करंट रात में ही मिलता है। फौरन मान गई। अरे माता ही ना। कुछ भी कहो यार, तारा का जवाब नहीं, उसे देखते ही वो शेर याद आ जाता है। उफ, वो मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। ताजमहल कहते हैं। वाह मेरे शाहजहां, वाह 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 वाह। ऐसा है कि मकान तो तूने ले दिया, उसे अब छोटा सा ताजमहल भी बनवाई डाल। जिंदगी रही तो जरूर, वरना ख्वाहिश एक ही है कि मौत उसकी बाहों में ही हो। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कैसे दूसरी औरत को चाहते थे तो मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? ये बेवफाई मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर उन्होंने उस औरत को नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। क्या तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तलाक 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 तलाक। मैं एक प्रगतिशील औरत हूं, अगर मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कानून ने मुझे तलाक लेने का अधिकार दिया है। बेशक दिया है, मगर शादी के बाद तू पत्नी है और तेरा पतिव्रत धर्म तुझे। मैं उस धर्म को मानने को तैयार नहीं जो औरत को आदमी के बराबर न समझे। बराबर क्या, हमारा धर्म तो औरत को आदमी से कहीं ज्यादा इज्जत देता है। और क्यों नहीं, औरत जननी है, वो आदमी को जन्म देती है, इसीलिए वो पूज्य है। हमारे देश के लाखों देवी मंदिर इस बात की साक्षी है कि यहाँ औरत की पूजा होती है। पूजा होती है सिर्फ मंदिरों में, घरों में नहीं, सिर्फ माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। पत्नी ही तो माँ बनती है। मगर मुझे अपने पति से पत्नी का अधिकार चाहिए। मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, मैं अपने पति का कोई अन्याय नहीं सहूंगी। चुपचाप अन्याय सहना कमजोरी है, मगर अन्याय करने वाले को चेतावनी देकर, मुकाबले की घोषणा करके, मन की दृढ़ता से मगर अहिंसा से उसके अन्याय का अंत देखना कमजोरी नहीं, शक्ति है। शक्ति? शक्ति कैसे हुई? औरत की तुलना धरती से क्यों की जाती है? इसलिए कि औरत में भी वही गुण है जो धरती में है। धरती क्या कुछ नहीं सहती, हल कुदाल भूकंप बड़े बड़े विस्फोटों से कितना छलनी होता है उसका दिल, मगर वो कभी विद्रोह नहीं करती, कभी तलाक नहीं लेती। वो तो इंसान को जीवन के सारे खाद्य पदार्थ देती है। धरती पर इतना अन्याय करने के बाद भी इंसान को जीने के लिए, पलने के लिए, यहां तक कि मरने के लिए भी धरती की गोद चाहिए। यही धरती की जीत है। तुझे भी जीतना है
अपने भटके हुए पति को सही रास्ते पर लाना है। मगर ये जानते हुए कि वो दूसरी औरत को चाहते हैं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये घर शादी के बाद तेरा घर है। तू अपने इस अधिकार को छोड़कर चली गई तो ये घर टूट जाएगा। औरत घर जोड़ती है, घर तोड़ती नहीं। अपने आत्मबल और सहन शक्ति पर विश्वास रखेगी तो एक दिन तेरा पति निश्चय ही तेरे पास क्षमा मांगने आएगा, और वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। ये क्या है? पिताजी ने आपके लिए ड्राफ्ट भेजा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने लिखा है और रुपये चाहिए तो वो और भेज देंगे। अच्छा, नहीं फिलहाल तो यही काफी है, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। अच्छा तुम्हें चलते, कहाँ जा रहे हैं? ये ड्राफ्ट कैश करवाने। रात को कोई बैंक नहीं खुलता, आप सुबह कैश करवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री तो जाना पड़ेगा ना। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप कोई दूसरा बिजनेस कर लीजिए। क्यों? जिस बिजनेस में नुकसान ही नुकसान हो उसका क्या फायदा? फायदा भी होगा। सुनिए, अब क्या है बोलो। मैं शिकायत नहीं कर रही, मगर जब से शादी हुई है मैं इस घर से बाहर नहीं निकली। मैं भी आपके साथ चलूं? कहाँ? फैक्ट्री? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हैं। अगर मुझ में कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को आपके लायक बनाऊंगी। आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। बीती बातों को इतना सोचा नहीं करते यार, छोड़ना। हाँ, सोचने के दिन खत्म हो गए पतिदेव। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? बोलो, कब शादी कर रहे हैं हम? मैंने तुझे एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, और फिर क्या गारंटी है कि बच्चा मेरा ही? फिर कभी ऐसी बात बोली तो पता नहीं मैं क्या कर बैठू। जा जा जा, जो मर्जी आए कर ले, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला, समझी? ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हो, लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगी, लेकिन इसका खर्चा तुम्हें देना होगा। वाह 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 वाह, तूने क्या समझ रखा है? इस फैक्ट्री में नोट छपते हैं क्या? क्यों नहीं छपते? विजय की अमीर ससुराल जो है, ये अगर तुम्हें ये फैक्ट्री दे सकता है तो मुझे 1,00,000 रुपए नहीं दे सकता? देखो बर्क, शादी के बाद मैंने घनश्याम को फैक्ट्री के लिए पैसे दिए तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दिया था। आज अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें और पैसे दूं तो सॉरी, मैं तुम्हें एक नया पैसा नहीं दूंगा। बिल्कुल, और मुझसे भी किसी तरीके की कोई भी उम्मीद मत रखना। अब खड़ी क्या हो, जाओ, हम पहले एक उलझन में फंसे हुए। उलझन में तो अब मैं डालूंगी तुम दोनों। पता नहीं बेचारी कैसे दिन काट रही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरी बेटी वहां खुश नहीं है तो वो उस घर में नहीं रहेगी। पिताजी आप? जी तेरा। आइए ना पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ सच, आपका ड्राफ्ट वक्त पर मिल गया था, ये कितने खुश हुए पूछे मत, रोज आपकी तारीफ करते हैं। मेरी नहीं, मेरे पैसे की तारीफ करता है। जी? घर पर नहीं? वो हमेशा फैक्ट्री से लेट ही आते हैं, आप बैठिए ना। तेरी सास और ननद कहाँ है? माजी ननद को साथ लेकर अपनी बहन से मिलने गई है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुन जी, घर पर कोई नौकर चाकर भी नहीं?
जी, ये तो बहुत जिद कर रहे थे कि नौकरों को मत निकालो, पर मैंने कहा मैं सारा दिन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, और अब तो सारा काम जब तक मैं अपने हाथों से नहीं करती तसल्ली नहीं होती। अच्छा, इधर बैठ। यहां आकर तू झूठ भी बोलने लगी है? मुझे सब पता चल चुका है, वो तेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, पर आजकल एक नाचने वाली के चक्कर में पड़ा हुआ है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। राय साहब, राय साहब, वो चक्कर है ही इतना खूबसूरत, आंखें बंद करो तो सुरमई अंधेरे, खोलो तो चंपाई उजाले, अंधेरों से उजाले, उजालों से अंधेरे। बेटी, तू जरा अंदर जा, मुझे इससे बात करनी है। पिताजी, इस वक्त क्या बात करेंगे ये? मैं जानता हूँ कि ये नशे में है। क्या क्या कहा? मैं नशे में हूँ? मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो विजय। तुमने झूठ बोलकर, तरह तरह के नाटक रचकर, धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर तो ली, लेकिन अब अगर तुम उसकी खुशियां छीनने की कोशिश करोगे या उसके साथ बेवफाई करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप मुझे धमकी देने आए? साथ ही साथ समझाने भी आया हूं। एक बात याद रखना विजय, पत्नी का दर्जा इस दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती। रही नाचने वालियां, वो किसी आदमी की नहीं होती, पैसे की होती, सिर्फ पैसे की। अरे होती होंगी जो होती होंगी, नाम मेरी है, वो सब मेरे घुंघरू बांधती है। और उन घुंघरू की झंकार, उन घुंघरों की झंकार तुझे तभी तक सुनाई दे रही है जब तक मेरे भीख में दिए हुए पैसे तुझे मिल रहे हैं। आज से न वो भीख मिलेगी और न ही वो तेरे लिए नाचेगी। नाचेगी वो, नाचेगी, और वो सिर्फ मेरे लिए नाचेगी, चाहे उसके लिए तुम्हारी बेटी को भरे बाजार नाचना पड़े। मेरी विदाई के वक्त जिनके लिए आपने मुझसे कहा था, बेटी इनका दुख तेरा दुख है, इनकी खुशी में ही तेरी खुशी है, आज से ये तेरा पति ही नहीं बल्कि परमेश्वर जैसा है, और आज आपने मेरे परमेश्वर को ही। चले जाइए यहां से, इससे पहले कि न चाहते हुए भी मुझसे आपका कोई निरादर हो जाए, चले जाइए यहां से। अब मैंने उसको समझाने का इंतजाम कर लिया है। क्या पहलवान सुच्चा सिंह, हम दिखाएंगे कुश्ती नहीं लड़ते। जनता को धोखा देना सुच्चा सिंह ने नहीं सीखा। ये धोखा नहीं है सुच्चा सिंह जी, ये तो पुण्य का काम है, दो प्रेमियों का मिलन करवाना है। कुश्ती लड़के? जी हाँ। किससे? जी लड़की के बाप के साथ। पहलवान है क्या? अजी पहलवान, अजी वो तो अखाड़े का रुस्त में जमा है, ऐसा राइट टर्न लेफ्ट टर्न मारता है कि पूछिए मत।
उसने सुच्चा सिंह का लेफ्ट राइट देखा नहीं है। हाँ समझे क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसे दिखा दीजिए, ऐसा राइट टर्न लेफ्ट टर्न मारिए कि नाम तक भूल जाए। अरे फिकर मत करो, वो अपने आप को भूल जाएगा। अरे एक मिनट क्या बात है? मैं आपको पहले समझा तो दूं डिटेल्स में। समझाओ। सुनिए, बाप बनना है। अच्छा अच्छा, लड़की का बाप मैं हूँ। आप लड़के के बाप हैं, लड़की का बाप तो वो है। अच्छा, इसका मतलब लड़का उसका है? हाँ, नहीं लड़का फिर आपका हुआ ना। अरे भाई मैं पहलवान आदमी हूँ, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ तो ठीक, फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। कैसे? ये सीटी, जब भी आप भूलेंगे मैं ये बजा दूंगा। अच्छा अच्छा समझ गया, लड़की का बाप मैं हूँ। लड़के का बाप। उठिए चाय पीजिए। सुनिए, आप ठीक तो है ना? तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो डॉक्टर, जाओ यहां से। अब खड़े क्या, जाते क्यों नहीं? मैं अकेली। अरे रहने दे रहने दे, ये सेवा भक्ति का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपने पति की शिकायत करके अपने बाप को बुलवाती, फिर अपने पति को पिटवाती। भगवान की स्वागत, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, कोई शिकायत नहीं की उनसे। नहीं की है तो अब कर दे, लिख दो उसे कि मुझे उसके बेटी की कोई परवाह नहीं। मैं तारा को प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, तू और तेरा बाप जो चाहे।